अब पाए सभी दवाइयाँ एक ही जगह पर, वो भी 10-15% तक के डिस्काउंट के साथ। आदिनाथ मेडिको, प्रसूति का ग्रह के सामने, कटरा बाजार सागर। कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्थान सीएम विवाद के बीच एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को कहा कि वे अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में सबसे आगे भी हैं। दिग्विजय सिंह दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म लिया। इसके बाद मीडिया से कहा नामांकन कल दाखिल करेंगे। दिग्विजय सिंह बुधवार देर रात अचानक केरल से भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर दिल्ली पहुंचे थे। उनके बंगले पर पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम मिलने पहुंचे। करीब 45 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। दिग्विजय सिंह 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों का करीबी माना जाता है। 8 साल से केंद्र में सत्ता से बाहर कांग्रेस नेतृत्व से दिग्विजय सिंह को ही भारत जोड़ो यात्रा का इंचार्ज बनाया है। यात्रा को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस बीच राजस्थान में उठे विवाद ने दिग्विजय सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष के दावेदारों में आगे कर दिया है। अगर दिग्विजय सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वे इस कुर्सी पर बैठने वाले मध्य प्रदेश के दूसरे नेता होंगे। इससे पहले भोपाल के शंकर दयाल शर्मा 1972 से 1974 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। दिग्विजय सिंह को करीब से जानने वाले कहते हैं गांधी परिवार और दिग्विजय सिंह की करीबियों की शुरुआत साल 1987 में हुई थी, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राजीव ने एक दिन अचानक दिग्विजय सिंह को बुलाया और बताया कि वे उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। हालांकि वे इस पद पर नहीं जा पाए, लेकिन बाद में उन्हें ये कुर्सी मिली थी। इसके बाद 1993 में वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। नामांकन फॉर्म लेने आया हूँ और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। अब पाए सभी दवाइयाँ एक ही जगह पर, वो भी 10-15% तक के डिस्काउंट के साथ। आदिनाथ मेडिको, प्रसूति का ग्रह के सामने, कटरा बाजार सागर।